मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, एक वायर में अगर करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये चीज़ सबसे पहले जो ऑब्जर्व की थी वो एक साइंटिस्ट ने की थी, ओरस्टेड साइंटिस्ट था ये। मैग्नेटिक नीडल लेके बैठ गया होगा लैब में, पर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में करंट दौड़ रहा होगा, मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो कर दी, इसने कहा देखो जी मैग्नेटिक फील्ड है कहीं ना कहीं। उसके आगे नहीं कुछ फर्क कर पाया क्योंकि इसको ये पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इतना बताया। कितना मैग्नेटिक फील्ड है नहीं बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलेंगी नहीं बताया, बस इतना बता दिया। अब क्योंकि साइंटिस्ट कम्युनिटी है आगे एक दूसरे के रिजल्ट के ऊपर और काम करती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बायट सेवर्ट्स, तो उसने अपने नाम का एक लॉ बनाया और उसने मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सिखाया। तो लॉ का नाम क्या है, बायट सेवर्ट्स लॉ। इसने क्या किया, ये कहते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और आप इस करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय बी वेक्टर, राइट। तो ये जो साइंटिस्ट है बायट सेवर्ट्स लॉ, इसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी करंट कैरिंग वायर की कंप्लीट नहीं बताई, इसने क्या कहा कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट में अगर आई करंट है तो ये आपको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा टीबी, या आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे पाएगा पूरी वायर का। तो इसने हमें स्मॉल एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन बताया मैग्नेटिक फील्ड का डीबी क्या होगा। कैसे बताया उसने, अगर मान लो करंट कैरिंग वायर है लंबी चौट जैसी भी होगी, हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, जो डीएल की डायरेक्शन होती है वो ऊपर भी हो सकती है और वो नीचे भी हो सकती है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डीएल की डायरेक्शन है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन के साथ चलेगी, तो अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो डीएल की डायरेक्शन भी ऊपर है, और अगर करंट नीचे है तो डीएल भी नीचे है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में करंट ऊपर है तो डीएल ऊपर है। तो ये डीएल है और आर डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, स्मॉल निकालना है डीबी कोई बात नहीं, और आर वेक्टर ये रहा और एंगल इनके बीच में डीएल और आर में एंगल कितना है थीटा, तो डीएल और आर में एंगल क्या हुआ थीटा, राइट। तो बायट सेवर्ट्स लॉ ये बताता है कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है डीबी इज प्रपोर्शनल टू करंट आई जो इस वायर में जा रहा है, इज प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएल जो इसमें जा रहा है, इज प्रपोर्शनल टू दो डीएल और आर के बीच में जो एंगल है थीटा उसके साइन थीटा के प्रपोर्शनल। आपको साइन थीटा कॉस थीटा क्यों नहीं, क्योंकि डीबी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर एक वेक्टर है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता था साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आता था, तो इसलिए उसने क्या कहा कि डीबी प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, एंड डीबी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर का स्क्वायर ऑल्सो, तो db इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, क्लियर है। इन चार वैल्यूज के प्रोपोर्शनैलिटी में db की वैल्यू अगर हम कंबाइन करें सारा रिजल्ट तो db प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट लगता है जो मीडियम पे डिपेंडेंट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में लगता था वो कांस्टेंट की वैल्यू जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में होती थी 1/4πε0, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है μ0/4π, तो μ0/4π की वैल्यू कितनी है 10^-7। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो डीबी की जो वैल्यू है साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, ये लॉ ने बताया। देखो इसमें ये नहीं है कि कैसे और क्यों, उसने एक्सपेरिमेंट किया उसने लॉ बताया, हम तो लॉ देख रहे हैं कि ये लॉ है, कंबाइन करके रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट को अप्लाई करेंगे हम, तो हम लॉ का प्रूफ नहीं देख रहे कि कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंटली उसने किया होगा प्रूफ, तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या आएगा, क्या आएगा μ0/4π, और μ0/4π की वैल्यू क्या होती है 10^-7, ठीक है यहाँ तक। तो जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या होता था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, म्यू नॉट क्या होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिटिविटी की जगह परमिएबिलिटी, क्लियर है यहाँ तक। परमिएबिलिटी ये बताती, और वैक्यूम, वैक्यूम क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो परमिबिलिटी किसी भी मीडियम की अगर ज़्यादा है, परमिबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, और अगर परमिबिलिटी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है।
तो ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी है, और अगर किसी और मीडियम की बात होगी तो परमिएबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वैक्यूम के लिए रिजल्ट क्लियर है डीबी का। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो डीबी इज अ वेक्टर, डीएल इज अ वेक्टर, आर इज अ वेक्टर और डिवाइडेड बाय आर क्यू। आपको ये कैसे हुआ देखो, आप ओपन करके देखो, इसे ओपन करो क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आएगा डीएल इंटू आर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो डीएल डीएल और आर में, डीएल और आर में एंगल क्या है थीटा, तो यहां पर क्या आएगा डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट यही आएगा, चेक कर लो। तो वेक्टर फॉर्म लिखना आ गया, तो वेक्टर फॉर्म में डीबी वेक्टर इसके इक्वल होगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। तो इसमें डीबी डीबी की वैल्यू स्केलर फॉर्म में ये रही, वेक्टर फॉर्म में ये रही, कोई डाउट। तो अब इसमें यहां मैंने करके भी दिखाया हुआ, देखो ये ओपन करके मैंने दिखाया, आंसर सेम आया। ये जो आई और डीएल है, आई का मतलब क्या होता है करंट, डीएल का मतलब क्या होता है एलिमेंट, तो आई डीएल का मतलब है करंट एलिमेंट, आई डीएल का मतलब है करंट एलिमेंट, याद रखना। जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में डीएल है, तो जिसमें आई है उसमें डीएल है। डीबी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके यूनिट्स क्या होते हैं टेस्ला, तो डीबी के यूनिट्स आएंगे वो किस में आएंगे, वो टेस्ला में आएंगे। तो इस क्वेश्चन में जैसे मान लो इसको अप्लाई कैसे करना है, ये आपके पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है डीएल, इस डीएल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने की बना है 1 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है, आपको 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट, अभी नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब एंगल कितना 45, तो इस वायर से 45 डिग्री पे आर डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा आएगा, तो क्या लगेगा बाइट्स वेट्स लॉ। तो यहां पर डीबी की वैल्यू क्या निकलेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना 10^-7, करंट की वैल्यू कितनी है 8, साइन डीएल की वैल्यू कितनी है इसमें डीएल 1 सेंटीमीटर और एंगल कितना है साइन ऑफ 45, आर की वैल्यू 200 सेंटीमीटर, सॉल्व करके टेस्ला में आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब क्योंकि बी इज अ वेक्टर तो आपको साथ में क्या मेंशन करनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन। इस पूरे यूनिट में सारा खेल है ही डायरेक्शन का, अगर आपको डायरेक्शन नहीं आती तो आप ये लगाओ कि आपका कोई क्वेश्चन ठीक होने वाला है ही नहीं इस चैप्टर का। आप जितना मर्जी फॉर्मूले याद कर लो, जितना मर्जी काम कर लो, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी नहीं आई तो सारा एफर्ट आपका खराब हो जाएगा। तो एक तो होता है कि चलो छोड़ो यार डायरेक्शन निकालनी नहीं आती, काम चल जाएगा, काम बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे अच्छा ये चैप्टर को छोड़ दो, चलेगा ही नहीं काम जो मैं कह रहा हूँ, या डायरेक्शन सीख लो, डायरेक्शन सीखो। डायरेक्शन के लिए सपोज करो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, राइट, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, करंट इसमें कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मेरे को इस करंट कैरिंग वायर के करंट की वजह से बी की डायरेक्शन बतानी है, इधर भी बता सकता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पर भी मेरे को नेट जो डायरेक्शन ऑफ बी को कैलकुलेट करना है। ठीक है यहाँ तक, तो मैं रूल देखो क्या अप्लाई करूँगा, मैं अपना राइट हैंड लूँगा, राइट हैंड का थम करंट के साथ ले जाऊँगा, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, तो थम कहाँ पर है ऊपर, और अपनी चार फिंगर को घुमाऊँगा इसके आसपास, ऐसे घुमाऊँगा, अगर चार फिंगर घुमा सकता तो पूरा सर्कल ऐसे बनता, जोड़ दो जोड़ दो। अब किसी की फिंगर छोटी है किसी की बड़ी है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, सिंपल है। तो यानी कि लाइंस ही लाइंस पास कर रही हैं इसके आसपास, इमेजिन करो। तो ये क्या लाइंस हैं, इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, तो इमेजिनरी लाइंस हैं ये सारी। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो आप इमेजिन करो कि ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है ऊपर, ये करंट कैरिंग वायर है, और ये तो बहुत बड़ी रिंग ले ली मैंने, इमेजिन करो ये डिस्क नहीं है, एक रिंग ही है, बस ये आउटर सर्कल देखना है इसका। तो ये मेरी, ये जो पेन है ये करंट कैरिंग वायर है और ये मेरी फिंगर्स घूम रही है, देखो ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये मान लो ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो कैसे घूम रही है मेरी फिंगर, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो लाइंस ऐसे घूम रही हैं, करंट अगर नीचे जा रहा है तो लाइंस उल्टी घूम रही हैं, इमेजिन किया। तो मेरे केस में करंट ऊपर जा रहा है तो लाइंस ऐसे घूम रही हैं, ये रहा सर्कल, राइट। तो अगर कोई पॉइंट, अगर मुझे यहाँ पे बी निकालना है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या रूल होता था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ड्रॉ टेंजेंट,
ड्रॉ टेंजेंट, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का सेम रूल है। तो अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे घूम रही हैं तो आपको यहाँ पर भी निकालना है ड्रॉ अ टेंजेंट, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ओके, आपको यहाँ निकालना है भी ड्रॉ अ टेंजेंट, आपको यहाँ निकालना है भी ड्रॉ अ टेंजेंट अंदर की तरफ, यहाँ निकालना है टेंजेंट, जहाँ निकालना है वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करनी शुरू करो, तो आंसर आ जाएगा बी का। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मान लो मेरे इस केस में सपोज करो मेरे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, तो इसके आसपास कोई भी एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लें, इमेजिनरी है ये, क्या है एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मेरी थंब इधर जा रहा है तो फिंगर ऐसे घूम रही है, तो अगर मुझे इसके अंदर डायरेक्शन निकालनी है बी की, मान लो यहाँ पर निकालनी है, तो ड्रॉ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट कहाँ जाएगा, बोर्ड के अंदर, ये ऊपर नहीं है, ये बोर्ड के इनसाइड है। चलो मैं ऐसा नहीं, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये कहाँ पे जा रहा है, बोर्ड के इनसाइड, यहाँ पे टेंजेंट कहाँ पर आएगा, बोर्ड के आउटसाइड, फिर यहाँ पे कहाँ क्या आएगा, लेफ्ट, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? तो समझ में आ रहा है, अगर आपको बी की डायरेक्शन यहाँ निकालनी है तो इनसाइड, यहाँ निकालनी है तो आउटसाइड, यहाँ निकालनी है तो लेफ्ट, यहाँ निकालनी है तो राइट, तो क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे सपोज करो मेरे को मेरे क्वेश्चन में ये करंट कैरिंग वायर गिवन है, ये मान लो आई अमाउंट ऑफ करंट है, मुझे ये पी पॉइंट गिवन है यहाँ पे, तो मुझे बताओ कि बी की डायरेक्शन यहाँ पे कैसे होगी। तो आप अपना राइट हैंड थंब के साथ, ये थंब को करंट के साथ रखें, चार फिंगर को घुमाएं, तो ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इनसाइड लाइन ऐसे घूमेगी, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो बी वेक्टर यहां पर क्या आएगा, इनसाइड। और बेस्ट तरीका क्या बताया, थंब को करंट के साथ इनसाइड, मान लो ये पॉइंट है तो थंब इधर है इनसाइड, चार फिंगर घूम के यहां से बाहर आएंगी आउटसाइड, तो यहां पर बी वेक्टर कैसे आएगा, आउटसाइड। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसकी आज प्रैक्टिस भी करेंगे हम इनसाइड आउटसाइड की आज अलग अलग न्यूमेरिकल्स में, राइट? अब इसमें B इज अ वेक्टर और वेक्टर डायरेक्शन बताता है। वेक्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो वेक्टर ऐसा होता है, आगे से बिल्कुल एरो तीखा होता है पॉइंट की तरह, और पीछे से ये क्रॉस की तरह होता है, जब खींचते हैं क्रॉस की तरह। तो सोचो इसके अंदर एरो बाहर शो कर रहा है, डायरेक्शन बाहर है, तो आपको इसका टिप दिखेगा डॉट, तो आप आउटसाइड को कैसे लिखते हैं, ऐसे, जैसे एरो का ये टिप बाहर आ रहा है, डॉट, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, राइट? और जब ये एरो अंदर जाएगा इनसाइड, तो यहां पर सिंबल क्या बनता है, क्रॉस, या लिखो इनसाइड या लिखो क्रॉस, एक ही बात है, क्रॉस का मतलब यहां पर इनसाइड, डॉट का मतलब आउटसाइड। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो मेरे इस प्रॉब्लम के अंदर वापस चलते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम में मैंने मैग्नीट्यूड तो डीबी का निकाल ही दिया, अब करंट इस एलिमेंट में कहां जा रहा है, ऊपर, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो थंब करंट के साथ, और पी पॉइंट पर डायरेक्शन बी की डायरेक्शन कैसी होगी, इनसाइड, थंब करंट के साथ, तो बी वेक्टर कैसा होगा, इनसाइड। तो चेक करो आंसर क्या आएगा इसमें, इनसाइड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? और राइट हैंड से बता दिया, आउटसाइड इनसाइड का सिंबल बता दिया, और एक और रिजल्ट हो सकता है काम में आ जाए, वो क्या, जो सी होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर आएगा उसमें पता लगेगा, जो सी है स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है, वेयर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, म्यू नॉट का मतलब है परमिएबिलिटी। तो जब आप इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करते हो तो सी का मतलब क्या आता है, 3×10^8, राइट, 3×10^8। तो अगर आप सोचें कि ये वैक्यूम की वैल्यूज हैं, और अगर आप मीडियम चेंज कर दें तो एप्सिलॉन भी चेंज हो जाएगा और म्यू भी चेंज हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो, तभी तो बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में चेंज हो जाती है, पानी में अलग, ग्लास में अलग, वैक्यूम में अलग, क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये काम आएगा रिजल्ट, मैंने नोट करवा दिया कभी, तो यहाँ तक क्लियर है? अब एग्जाम्पल है, एक वो कह रहा है एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर,
जिसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा एक्स आई कैप, कहाँ पर पड़ा हुआ है एट ओरिजिन। ये एक छोटा सा एलिमेंट गिवन है जिसमें आई अमाउंट, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट है, 10 एम्पियर करंट है, जिसके अंदर 10 एम्पियर करंट है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आई कैप आपको क्या गिवन है डेल्टा एल गिवन है। तो ये रहा आपका डेल्टा एल, स्मॉल एलिमेंट दे दिया उसने कहाँ पर पड़ा हुआ है ओरिजिन पे, और ये डायग्राम गिवन है, और करंट की डायरेक्शन राइट की तरफ गिवन है, करंट कहाँ पर गिवन है राइट की तरफ गिवन है, राइट। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, तो कह रहा है मुझे 0.5 मीटर वाई एक्सिस पर बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो बी नहीं डी भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, बाय सर्वेट लॉ, करंट अगर राइट है तो डी एल भी राइट है, आर वेक्टर ये रहा तो आर और डी एल में एंगल कितना बना 90, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। इसमें आई क्या होगा, इसमें आई की जो वैल्यू होगी वो क्या गिवन है इसमें 10 एम्पियर, इसके अंदर डी एल क्या होगा, डी एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, साइन ऑफ 90 बाय आर, आर कितना गिवन है 0.5 का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया डी बी आ गया। अब डायरेक्शन देख लें, करंट के साथ थम, थम करंट के साथ, तो बी वेक्टर कैसे आएगा बाहर, देखो ना थम के साथ करंट है तो बी वेक्टर कैसे है बाहर, तो बाहर को क्या लिखते हैं डॉट, तो यहां लिख दो डॉट आउट ऑफ द पेपर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। हमने इसे पहले क्या किया, बायट सर्वेट्स लॉ, बायट सर्वेट्स लॉ आपको छोटी लेंथ, छोटे एलिमेंट की वजह से टीबी देता है, पर हमें क्या करना है, हमें बड़ी वायर अगर गिवन है उसका टीबी निकालना है, हमें छोटी वायर का तो पता है पर बड़ी वायर का नहीं पता। तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या देगा, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, बड़ा कंडक्टर है उसकी वजह से आपको बी निकालना है, उसकी वैल्यू देगा। तो इसके अंदर कुछ ऐसा केस है कि जैसे आपको एक लॉन्ग कंडक्टर गिवन है जिसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट है, इस लॉन्ग कंडक्टर से ए डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस लॉन्ग कंडक्टर के ए डिस्टेंस दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर, और ये वायर स्ट्रेट है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी वायर के लिए रिजल्ट लगेगा नहीं। तो स्ट्रेट वायर के परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसकी पूछोगे लेंथ क्या है, नहीं लेंथ मुझे पता नहीं क्या है, आपको क्या गिवन होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में, आपको ये करंट गिवन होगा, आपको ए गिवन होगा, आपको साथ में ये भी गिवन होगा कि इस वायर के जहां पर आपको बी निकालना है, जहां आपको बी निकालना है वहां पे इस परपेंडिकुलर लाइन से नीचे की तरफ ये एंगल कितना है यहां पर 51, और ऊपर की तरफ ये एंगल कितना है इसमें 52, एंगल कितना गिवन है 51, एंगल कितना गिवन है 52, राइट। तो इसके अंदर ये स्ट्रेट वायर है, आई अमाउंट ऑफ करंट है, ये ए डिस्टेंस है, तो इस कोने ने यहाँ पर एंगल 51 बनाया, उस कोने ने एंगल 52 बनाया, तो आपकी लेंथ की जगह उसे एंगल दे दिए कि एंगल 51 से लेके 52 तक आपको लेंथ की बजाय एंगल दे दिए, तो आपको इस पूरी वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ निकालना क्या होगा। हाँ, स्मॉल एलिमेंट का आपको निकालना आता है, तो लॉजिक तो वही है कि हम क्या करेंगे इसमें, वी विल कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, कोई भी छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पर डी एल, इस एलिमेंट की दूरी सपोज यहाँ से कितनी है आर, और मान लेते हैं ये डी एल है ये आर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है थीटा, तो बायट सर्वट लॉ से मैं डी एल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डी बी तो निकाल सकता हूँ, यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल नहीं सकता, उसके लिए मेरे को इसका कॉन्ट्रीब्यूशन डी बी, अगली वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन डी बी करके मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि पहले छोटा एलिमेंट का बी निकलेगा डी बी निकलेगा, और पूरी वायर के लिए इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, राइट। तो ये करने के लिए काम करते हैं
लोअर एंड का एंगल फाई वन इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, अपर एंड का एंगल फाई टू, और सपोज करो ये एलिमेंट है, ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है फाई, इस एलिमेंट ने यहाँ पे इस लाइन के साथ क्या एंगल बनाया फाई, तो एक बना फाई वन, एक बना फाई टू, एक बना फाई, ये बना ए, ये बना आर, और ये एलिमेंट आपने कितनी दूरी पे लिया है, एल दूरी पे लिया है, बस ये इसके करेक्टर्स हैं सारे। तो एक आपको चाहिए फाई टू, फाई वन, इस एलिमेंट डी एल, इसकी दूरी यहाँ से एल, आर फाई, कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इस फिगर को देखो, मैंने यहीं पे ये ड्रॉ किया हुआ है, यही ड्रॉ किया, तो ये वायर, इस वायर का लोअर एंड फाई वन, अपर एंड फाई टू, एलिमेंट डी एल, एलिमेंट की दूरी एल, एंगल कितना थीटा, ये कितना आर, और इस एलिमेंट ने ये एंगल कितना बनाया फाई, तो सेम चीज़ मैंने ड्रॉ की। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीबी निकालते हैं, तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीबी क्या होगा, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर हम एंगल थीटा में काम नहीं करेंगे, हम एंगल्स फाई और डी फाई में काम करेंगे, फाई और फाई वन और फाई टू में। तो एक काम करते हैं, ये आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करें, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपकी लेंथ, ये जो है एंगल कितना है फाई, ये देखो ये वाला एंगल कितना है टोटल, ये फाई है राइट, ये जो एंगल है, एंगल है ये एंगल कितना है टोटल, ये फाई वन, ये फाई वन नीचे वाला है फाई, ये कितना है आर, या ऐसे करो ये एंगल फाई, ये एंगल कितना थीटा, और ये कितना 90, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं ऊपर, थीटा की जगह 90 माइनस फाई, ये पुट कर दिया, साइन ऑफ 90 माइनस फाई क्या होता है कॉस फाई, तो क्योंकि सारे एंगल फाई वन फाई टू की फॉर्म में चल रहे हैं, तो थीटा की फॉर्म में चलना नहीं, तो मैंने थीटा को फाई में कन्वर्ट कर लिया, पहला स्टेप क्लियर। बस अब दो स्टेप और, आंसर आ गया, डी एल और आर की वैल्यू निकाल लूंगा, एक वैल्यू निकाल लूंगा डी एल की, एक वैल्यू निकालूंगा आर की, कैसे ध्यान से देखना इसे, मैं इसमें यही फिर से ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल फिर से ले रहा हूं, ये वाला, और ये एंगल कितना है फाई, इस ट्राइंगल में मुझे बताओ कॉस फाई किसके इक्वल है, कॉस फाई इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर, ए बाय आर, और इस ट्राइंगल में कॉस फाई ए बाय आर है, इसी ट्राइंगल में टेन फाई किसके इक्वल है, एल डिवाइडेड बाय ए, टेन फाई इज इक्वल टू एल बाय ए, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी है ए बाय आर, टेन फाई की वैल्यू कितनी है एल बाय ए, कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां से कॉस फाई की वैल्यू ए बाय आर, टेन फाई की वैल्यू एल बाय ए, ये देखो, ये देखो, तो इसके अंदर कॉस फाई इज ए बाय आर, हमने क्या निकालना है आर, एक काम करते हैं आर को एक तरफ, कॉस फाई को इसके नीचे, तो वन बाय कॉस फाई क्या होता है सीकेंट फाई, तो वन बाय कॉस फाई इज सीकेंट फाई, क्लियर यहां तक? तो यहां से आर की वैल्यू ए सीकेंट फाई, इस आर की वैल्यू ए सीकेंट फाई को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा ए सीकेंट फाई का होल स्क्वायर, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो यहां पर आर की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, और एक और टर्म ली थी टेन फाई, टेन फाई क्या होता है एल बाय ए, तो एल इज इक्वल टू ए टेन फाई, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो फाई किसमें, फाई किसमें आ जाएगा टेन फाई, एल किसमें बन जाएगा डी एल, तो यहां पर क्या आएगा डी एल, ए टेन फाई की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर फाई और एंगल की डी फाई, तो यहां से क्या आ गया डी एल, तो एक काम करो डी एल की वैल्यू को ऊपर पुट कर दो और आर की वैल्यू को नीचे पुट कर दो, तो आपके सामने ये टर्म आ गई, ये आर का स्क्वायर आ गया, ये डी एल आ गया, इस स्क्वायर को ओपन कर लो, सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ए से क्या हो जाएगा ए कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी बी आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? सब कुछ कैंसिल करने के बाद आपके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, लेकिन अब इंटीग्रेशन जो चल रही है वो इन टर्म्स ऑफ क्या चल रही है डी फाई एंड फाई, क्यों किया ये, इसलिए किया ताकि हम लिमिट्स एंगल की फॉर्म में लगा सकें, क्योंकि एंड में हमें रिजल्ट फाई वन फाई टू की फॉर्म में निकालना है, तो आपको
अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी फाई है तो लिमिट सिर्फ फाई की लगेंगी, एंगल्स की लगेंगी, अगर डी एक्स है तो एक्स की लिमिट लगेंगी, और डी एल है तो एल की लिमिट लगेंगी। अब यहाँ पर लिमिट्स क्या लगेंगी, मेरे को यहाँ पर भी निकालना है, ये वायर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मेरी वायर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अब कैसे बोलते हो, इस लाइन से नीचे जाओगे फाइव वन तो लोअर एंड आएगा, ऊपर आओगे तो अपर एंड आएगा, यानी कि फाइव वन से फाइव टू। तो लिमिट पुट करें, लिमिट में क्या आएगा, फाइव वन से लेके फाइव टू तक जाना है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिस्कस किया था कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, नीचे के एंगल, नीचे के एंगल, ये नीचे का एंगल है, हम फिजिक्स में नीचे नहीं बोलते, हम इस लाइन के आगे क्या लगाते हैं, माइनस, माइनस फाइव वन का मतलब नीचे का एंगल से लेके ऊपर का एंगल फाइव टू, ऊपर को क्या लिखते हैं, प्लस फाइव टू, समझ में आया लिमिट्स, तो माइनस फाइव वन से लेके प्लस फाइव टू, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया आई बाय ए। कॉस फाई की जो इंटीग्रेशन है वो कितनी है, साइन फाई, माइनस फाइव वन से फाइव टू, एक बार फाई की जगह अपर लिमिट, एक बार फाई की जगह लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू आ गई, क्लियर है यहाँ तक। ये फॉर्मूला याद करना है आपने कि अगर एक फाइनाइट वायर आपको मिल जाती है, ये री आपको लेंथ तो पता नहीं वायर की, आपको एंगल्स पता है फाई वन फाई टू, और आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है ए, तो आप ये फॉर्मूला लगा के बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन क्लियर है सर? ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें एनसीईआरटी का प्रूफ है कि बिल्कुल एनसीईआरटी में आएगा, बिल्कुल आएगा, अगर सब कुछ ही एनसीईआरटी से कट जाएगा तो फिर आएगा क्या, क्या आएगा, कूलम लॉ, बस 1/4 π/q/r², उसमें 95% नंबर आएगा, ठीक है, और बहुत मुश्किल थोड़ी ना, एक ट्राइंगल लेके दो तो स्टेप्स किए, खत्म। और इसके अंदर अगर सपोज करो वायर इनफाइनाइट लंबी है, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो क्या करेंगे, एक एंगल क्या लेंगे, पाई बाई टू, दूसरा भी पाई बाई टू, याद है, क्योंकि इन्फिनिटी में क्या होता है, ये वायर बहुत लंबी है तो एंगल बढ़ता 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 जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत लंबा बहुत दूर जाके मिलेगा तो क्या बोलते हैं, एंगल 90 डिग्री, तो इनफाइनाइट वायर में दोनों एंगल 90, साइन 90, साइन 90, 1+1 क्या हो जाएगा, 2, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4π/2i/a, वो डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो ये क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। इनफाइनाइट वायर में बहुत रिजल्ट आता है, फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों पे बहुत आता है, तो दोनों क्लियर है। और अगर ये ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए, बी और ए में क्या ग्राफ है, तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट, ये भी क्लियर है, तो हाइपरबोला इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल केस हैं जो ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल्स में और क्वेश्चंस में काम आएंगे, क्या कैसे, आपको कुछ स्पेशल केसेस देखने हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको वो दोनों तरफ से इनफाइनाइट वायर देगा ही नहीं, आपको कहेगा कि ये वायर है, ये वायर है, एक तरफ से तो इनफाइनाइट है और दूसरे तरफ से यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस कितना है, ए, तो नीचे का एंगल कितना है, 30, ऊपर का एंगल कितना है, 90, तो क्या आएगा, μ0/4πi/a साइन 30 + sin 90, लगा लोगे फॉर्मूला। आपने यहां पर 90 नहीं पुट करना, क्योंकि डेरिवेशन में ऑलरेडी 90 माइनस 51 हम पुट कर चुके हैं, बार बार नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर दिया, यहां सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे अगर आपको ये वायर यहीं से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, तो एक तरफ से इनफाइनाइट वायर है, लेकिन जहां पर आपको बी निकालना है, यहां बी निकालना है, यहां पर आपको बी निकालना है, तो यहां पर नीचे वायर है ही नहीं, तो इस लाइन के नीचे का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो है ही नहीं, तो ऊपर का एंगल क्या रहेगा, 90, तो क्या करेंगे इसमें, μ0/4πi/a साइन 0 + sin 90, क्या स्टेप क्लियर है, तो समझ में आ रहा है कि अगर वायर नीचे एग्जिस्ट ही नहीं करती इस लाइन के नीचे, तो नीचे का एंगल तो उड़ा ही देंगे, जीरो हो जाएगा, और ऊपर का एंगल रख लेंगे जो कि 90, ये टर्म भी आ गई। अब ये केस आता है, क्या केस आता है, अगर ये एक वायर है, अगर ये एक वायर है, ये रही, ये वायर है, इसमें आई करंट है, एक तरफ तो इनफाइनाइट है, स्टार्ट लेकिन यहां से हो रही है, और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये गिवन है, यानी ये गिवन है, तो आपको यहां पर बी निकालना है, कहने का मतलब कि इनफाइनाइट वायर है ये, देखो ऐसे, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे बी निकालना है, यानी कि यहां पे
ये वाला एंड भी ऊपर लाई करता है और ये वाला एंड भी ऊपर ही लाई करता है, दोनों एंड वायर के कहां लाई करते हैं, ऊपर ही लाई करते हैं, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो इस लाइन के ये एंड भी ऊपर लाई करता है और ये एंड भी ऊपर लाई करता है, तो दोनों के दोनों एंगल्स क्या रखे जाएंगे, पॉजिटिव। तो ऊपर भी पॉजिटिव, ऊपर वाला एंगल भी पॉजिटिव और उससे ऊपर वाला एंगल भी पॉजिटिव, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इसमें, पॉजिटिव। तो मैंने इसको ना एक छोटी सी डेरिवेशन बना दी ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने क्या किया, जब आप ऊपर डेरिवेशन कर रहे थे ये वाला केस में, जब एक एंगल इस लाइन के नीचे होता है एक ऊपर होता है, तो आपने लिमिट क्या पुट की थी, माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू पुट की थी, और जब आपने इसमें ये वैल्यू पुट की थी तो आपके पास ये आंसर आया था, ऐसे ही था। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी जो इंटीग्रेशन चलेगी, जब चल रही थी वहां से वो रिजल्ट उठाया मैंने, लेकिन आपको डेरिवेशन के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, दोनों लिमिट्स पॉजिटिव पुट करके ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी डेरिवेशन में एक एंगल नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, लेकिन मेरे रिजल्ट में जो मैं करने जा रहा हूं उसमें दोनों के दोनों एंगल क्या है, पॉजिटिव है, कोई डाउट इसमें? तो दोनों के दोनों पॉजिटिव एंगल का मतलब कहां से कहां तक, फाइव वन से लेके फाइव टू तक। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे साइन फाइव, फाइव वन और फाइव टू पुट करोगे लिमिट, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हो। तो फ्यूचर में अगर वो वायर स्टार्ट हो रही है ऊपर से और आपकी लाइन दोनों एंगल्स ऊपर ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो डराइव करने की जरूरत क्या है, आप रिजल्ट को ऐसे ही याद कर लें। यानी कि अब हमारे पास दो रिजल्ट हो गए, अगर तो वायर इस सिचुएशन में मिली आपको ऐसे मिली कि एक वायर का एंड नीचे और एक ऊपर है, फिर तो आप ये फॉर्मूला यूज कर देना, और अगर दोनों एंड्स वायर के कहाँ पर हैं, ऊपर ही ऊपर हैं, फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर देना, ये फॉर्मूला। जैसे मेरे इस क्वेश्चन में मान लो एक एंगल कितना है, ये एंगल कितना है पाई बाई थ्री, और एक इन्फिनिटी की वजह से एंगल कितना है 90, तो मैं क्या पुट करूंगा, मैं यहाँ पर साइन फाइव वन माइनस साइन फाइव टू, तो एक एंगल पुट करूंगा 90 ऊपर वाला और एक एंगल पुट करूंगा नीचे वाला, ऊपर एंगल कितना है पाई बाई टू, इन्फाइनाइट की वजह से पाई बाई टू, नीचे वाला एंड पाई बाई थ्री, तो ये पहला एंगल ऊपर वाला है, दूसरा एंगल नीचे वाला है, याद रहेगा रिजल्ट, कोई डाउट इसमें? ऐसा रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी करते थे, उसमें प्रूफ नहीं किए थे, जान के नहीं करवाए थे, हालांकि लिख के दिए थे प्रूफ, क्यों नहीं करवाए थे, क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट के ना एनसीईआरटी में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एनसीईआरटी में नहीं है, और पता ही था आफ्टर डूइंग दीज मैग्नेटिक के रिजल्ट्स करने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फील ही नहीं होगा, पता लग जाएगा कि कैसे किया है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, उसी फील्ड उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैग्नेटिक चलता है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये स्टार्ट करते हैं, आप लगा के देखो, इनफाइनाइट वायर है आई टू करंट है, इनफाइनाइट वायर है आई वन करंट है, और आपको 90 डिग्री पे गिवन है। इस वायर से परपेंडिकुलर बी डिस्टेंस दूर यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वायर से ए डिस्टेंस दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट? तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है इस वायर और इस वायर की वजह से, ठीक है? तो आप एक काम करो, पहले आई वन का रिजल्ट लगाओ फिर आई टू का लगाओ, ठीक, सोचो एक बार कैसे लगेगा, डायरेक्शन भी सोचो। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ये इनफाइनाइट वायर लेते हो, इस इनफाइनाइट वायर से ए दूरी पे इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई 1 बाय ए, डन, लगा दिया फॉर्मूला। फिर दूसरी इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पे फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई 2 बाय बी, ये भी क्लियर है यहां तक? क्या आ गया यहां पर,
बी वन बी टू आ गया यहाँ पर, तो अब इसमें इस वायर की वजह से बी की डायरेक्शन देख लें, क्योंकि इसमें करंट ऊपर है, क्योंकि इसमें करंट ऊपर है, तो थंब को करंट के साथ रखने और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इनसाइड, थंब ऊपर इनसाइड, और यहां पर करंट कहां पर है, राइट है, तो कहां पर है, आउटसाइड, तो इसकी वजह से इनसाइड, इसकी वजह से आउटसाइड, चेक करो इनसाइड आउटसाइड। अब क्योंकि बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वैल्यू इनसाइड है एक आउटसाइड, तो नेट बी क्या होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब क्योंकि बी गिवन है ए से कम है और आई वन आई टू के बराबर है, अगर बी कम है, आई वन आई टू बराबर कह रहे हैं, अगर बी कम है तो ये बी टू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा है तो बी टू बड़ा, तो नेट आंसर क्या आएगा, बी टू माइनस बी वन, और क्योंकि बी टू आउटसाइड है तो नेट आंसर भी कहाँ आएगा, आउटसाइड। तो क्लियर है यहाँ तक, तो आधी गेम तो वेक्टर में खेल देनी है, फॉर्मूला तो स्टैंड वो पता ही है, कुछ भी नहीं करना फॉर्मूले में, डायरेक्शन थंब से निकाल देनी है, एंड में वेक्टर सम चलेगा। जैसे इन दो वायर्स में लगाओ, एक बार खुद लगाओ इसके अंदर, एक बार खुद सोचना है आपने, दो इनफाइनाइट वायर गिवन है, राइट, ये देखो दो इनफाइनाइट वायर्स गिवन है, ये रही 20 सेंटीमीटर पार्ट है, तो एक में करंट ऊपर 20, एक में नीचे 30, आपको पहला केस यहां पे पी पॉइंट पर बी निकालने क्या होगा, निकालो, ठीक, पहले वैल्यू लिखो, इस करंट ने यहां कितना बी लगाया, उस करंट कैरिंग वायर ने यहां कितना बी लगाया, और फिर डायरेक्शन लिखो, फिर देखो कैसे नेट वेक्टर सम निकलेगा।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इस वायर को देखते हैं, ये जो वायर है, ये जो वायर है और इसमें 20 एम्पीयर का करंट है, तो ये कितना बी लगाएगा? इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ऐसी ये वायर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 30 अपॉन 30 सेंटीमीटर, तो मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आप चेक करो, मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पी पॉइंट पर 20 एम्पीयर वाला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई बाय आर और 30 एम्पीयर वाला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 30 बाय 30 मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर करंट ऊपर है तो थंब इस तरफ, तो यहाँ पर थंब ऊपर, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? आउट। यहाँ पर करंट नीचे है तो फिंगर अगर बड़ी होती तो कैसे आता? इनसाइड, राइट। अब एक प्रॉब्लम बताता हूँ मैं, एक प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट को, मेरे को वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है और आपको कैसे करनी है। मान लो एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आई? जब मैं यहाँ खड़ा था तो मैंने इस वायर की वजह से एक डायरेक्शन निकाली, मैंने कहा थंब इधर आउट, ओके। जब उसकी बारी आई ना, तो मान लो मैं अपनी जगह चेंज ही नहीं की, मैंने यहीं खड़ा रह गया, फिर मैंने अपना हाथ इधर किया, फिर मैं सोच रहा हूँ यार मेरी फिंगर्स घूमेंगी, देख रहे हो प्रॉब्लम, देख रहे हो, तो मैंने अपनी जगह क्या कर ली? चेंज। तो मेरे को अपनी बॉडी को मोड़ना नहीं पड़ा। अब बहुत लोग ऐसा नहीं करते, कई लोग मेरी तरह क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होते दिखेंगे वहाँ पे ना सीट पे, बहुत लोग देखना को टेढ़ा हो रहा है, को गिर रहा है दूसरे के ऊपर की, क्योंकि पोजीशन चेंज करनी है ना। भैया फिजिक्स के स्टूडेंट हो, रिलेटिव मोशन सुने आपने, या तो आप स्क्रीन घुमा लो या आप खुद घूम जाओ। यहाँ पर स्क्रीन तो घुमा नहीं सकता, तो मैं घूम रहा हूँ, आप क्या करेंगे? ये कॉपी है ना, आपको मुड़ने की जरूरत थोड़ी ना है, ये आपने ऐसे रखा और आपको थोड़ा मुश्किल आ रही है घूमने, यार कॉपी ऐसे कर लो, आप लोग को क्यों घुमा रहे हो, क्यों कष्ट कर रहे हो, यहाँ रखो आंसर, आंसर तो अपने आप को नहीं घुमाओ। बहुत लोग मैं देख भी रहा हूँ अपने हाथों को इस तरीके से घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं? कॉपी घुमा लो यार, तुम क्यों घूम रहे हो, कॉपी घुमाओ, देखो एक मिनट में फिंगर इनसाइड। तो पॉइंट समझ में आया, और आधे लोग तो पूरे महीने अपने आप को घुमा घुमा के अपने क्वेश्चन भी गलत कर लेंगे, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा था, मुझसे डायरेक्शन निकल नहीं रही थी। तो समझ में आया आपने क्या करना है? मैं नहीं ऐसा करूँगा, मैं अपनी पोजीशन चेंज करूँगा, मैं स्क्रीन नहीं घुमा सकता, अगर ये कॉपी होती मैं इसको घुमा देता, क्लियर है यहाँ तक, फिर मैं क्यों घूमता? तो पॉइंट समझ में आया कैसे करना है। अब जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालना है? क्यू पे, और अगर क्यू पे निकालना है तो ये करंट कैरिंग वायर यहाँ पर भी क्या लगाएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 20 बाय 10, और ये क्या लगाएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 30 बाय 10। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर करंट ऊपर है तो क्यू पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इनसाइड। यहां पे करंट नीचे है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इनसाइड। अरे ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, तो इनसाइड इनसाइड दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी इन द एंड? एड। तो वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको इस पूरे चैप्टर में पूरा फील आएगा कि आधा काम तो सिर्फ वेक्टर कर रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे मैग्नेटिक इफेक्ट में, बस मैग्नेटिक इफेक्ट तो फॉर्मूला बता देगा, वो फॉर्मूला यूज कर लो, बाकी सारा काम या तो थंब रूल करेगा या फिर वेक्टर करेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। इन केस ऑफ आर, आर की डायरेक्शन में ये करंट नीचे तो आउटसाइड, और अगर इधर आएंगे तो इनसाइड। हाँ, आर में एक डायरेक्शन इनसाइड और एक डायरेक्शन आउटसाइड, तो माइनस होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, राइट। कभी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये जो करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये करंट कैरिंग वायर्स हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि डॉट और क्रॉस तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी है कि ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट बाहर आ रहा है, डॉट का मतलब बाहर आ रहा है, तो एक करंट कैरिंग वायर में डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है और क्रॉस का मतलब करंट, ये ऐसा डायग्राम है। तो इमेजिन करो पेन रखेगी, ये केस है, क्लियर है। अब वो भी बेचारा क्या करेगा, बाहर कैसे देगा आपको वायर, आपको क्या करेगा, डॉट और क्रॉस लगा के देगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये करंट कैरिंग वायर्स हैं। तो करंट कैरिंग वायर में करंट इसमें बाहर आ रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, और वो क्या कह रहा है, इस केस में ये करो, यहाँ पे लिखो x, r काट के लिखो x, करेक्शन करो,
यहाँ पर आर की जगह एक्स करो, तो गिवन एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, आपको आर निकालना है, आपको इसमें आर निकालना है, एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड आर पॉइंट पे जीरो हो जाए, इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक। देखो रूल नंबर वन, एक बात बताओ, अगर मैं इस वायर की बात करता हूं, इस वायर से आर पॉइंट की दूरी कितनी है, आर प्लस एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई 1 बाय आर प्लस एक्स, और सेकंड वायर से वो दूरी कितनी है, एक्स, तो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई 2 बाय एक्स। डायरेक्शन मेन गेम प्ले करेगा इसमें, कैसे, इसमें करंट कैसे है, आउटसाइड है, इसमें करंट आउटसाइड है तो आउटसाइड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, मैं फिंगर को ऐसे घुमाऊंगा, नहीं घुमाया जा रहा कोई बात नहीं, इधर आ जाता हूँ, तो आउटसाइड है, यहाँ पर फिंगर कैसे जाएंगी, अपवर्ड्स, है ना, क्योंकि आप सोचो ना, इमेजिन करो कि अगर आउटसाइड है तो मेरी फिंगर्स कुछ ऐसे गोल घूमेंगी यहाँ पे, चेक करो ऐसे, और जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो टेंजेंट कहाँ आएगा, अपवर्ड्स, ऐसी केस बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बनेगा, वहाँ पर अपवर्ड्स, क्लियर है। और अगर ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब करंट कहाँ पर है, इनसाइड, तो मेरी चार फिंगर कैसे घूमेंगी यहाँ पर, ये मेरी फिंगर्स हैं और यहाँ पर नीचे घूम रही है फिंगर, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कहाँ आएगा, नीचे, तो एक वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर, एक वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे, कोई डाउट। तो वो क्या कह रहे हैं कि बी वन ऊपर, बी टू नीचे, और नेट वैल्यू क्या आएगी, नेट फील्ड की जीरो, तो बी वन बी टू की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल, तो बी वन और बी टू को इक्वल करेंगे, तो ये क्या आपके पास बी वन, ये क्या आपके पास P2। तो यहां पर करंट की वैल्यूज गिवन है, आपको इसमें x की वैल्यू भी गिवन है, r कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो कॉन्सेप्ट समझ आया कि कैसे नेट भी जीरो करके r आएगा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यह गिवन है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, हम ये क्वेश्चन यहां पे करते हैं, जैसे एक स्क्वायर गिवन है, ये रहा आपका एक स्क्वायर, बोलो इनफाइनाइट वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं, लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 2a है, इसके अंदर i अमाउंट ऑफ करंट है, कुछ इस तरीके से I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है ऐसे, ये लो, ठीक है, आपको इसके सेंटर पे नेट B बताने क्या होगा, इसके सेंटर पे B की वैल्यू क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर लें, वायर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक, 1, 2, 3, 4, तो आप फर्स्ट वायर की वजह से पहले B निकाल लें, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, तो ये सबको मालूम है कि आपकी जो फर्स्ट वायर, ये फर्स्ट वायर है, मान लो फर्स्ट वायर है, इसने इसके, अगर हम लोअर एंड की बात करते हैं, लोअर एंड ने यहां पे एंगल क्या बनाया, 45, और अपर एंड ने एंगल क्या बनाया यहां पर, 45, तो लोअर एंड ने एंगल बनाया 45, अपर एंड ने एंगल क्या बनाया, 45, क्लियर है यहां तक, ठीक। तो आपको इसमें क्या निकालना है, बी निकालना है इस वायर की वजह से, तो B की वैल्यू निकालो इस वायर की वजह से, म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या फॉर्मूला, आई डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस कितना है, a है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय a, साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45, क्लियर है यहां तक, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय a, साइन 45 प्लस साइन 45, राइट, ठीक। और डायरेक्शन कहां पर होगी इसकी,
करंट क्योंकि नीचे है तो बी कैसे आएगा, आउटसाइड। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वायर है और फर्स्ट वायर का बी का जो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट आई बाय ए इनटू साइन 45 प्लस साइन 45। तो कैसे आएगा इसमें, आउटसाइड। एक काम करते हैं, अब सेम रिजल्ट निकालते हैं वायर नंबर 2 के साथ। जो वायर नंबर 2 है राइट, जो वायर नंबर 2 है अगर हम उसकी बात करें तो वायर नंबर 2 में ये इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, डिस्टेंस। फिर से ये एंगल कितना है 45, ये एंगल कितना है 45। तो वायर नंबर 2 में बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45। क्लियर है यहां तक? डायरेक्शन बोलो कहां होगी, क्योंकि करंट कहां है, राइट, तो बी की डायरेक्शन कहां होगी, आउटसाइड। करंट इधर तो बी आउटसाइड, तो यहां पर क्या आएगा, आउटसाइड। कोई डाउट इसमें आ रहा हूं आप, एक बार ऊपर में पिछली फिगर में कि इसमें आ रहा हूं यहां तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आउटसाइड, इसमें आउटसाइड, सिमेट्री है ना, तो जो बी इस वायर का होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका, तो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें डायरेक्शन कहां आएगी, आउटसाइड, और इसमें डायरेक्शन कैसी आएगी, आउटसाइड। देखो ना, इसमें भी आउटसाइड, फिंगर ऐसे आउटसाइड। तो आप चेक करो, मैंने एग्जैक्टली यही किया कि बी वन बी टू बी थ्री बी फोर सब बराबर, और बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बराबर सारे आउटसाइड हैं, तो वेक्टर सम क्या होगा, इन सबको ऐड कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आउटसाइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर बोलो, पिछले क्वेश्चन में ये ओके, पिछले क्वेश्चन में कहां निकालना है मुझे, बी कहां निकालना है, पॉइंट बोलो, पी क्यू की आर पे निकालूं, आर पे, आर पे करंट का है नीचे, आर में आउटसाइड, और इसमें करंट का है ऊपर, तो आर में इनसाइड, करंट ऑपोजिट है। क्लियर है यहां तक? ठीक, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, कि मान लो फिर से दो वायर्स गिवन है, पहली वायर क्या गिवन है, ये गिवन है, और दूसरी वायर क्या गिवन है, ये गिवन है, और ये वायर्स बोर्ड के अंदर और बाहर है, मींस करंट इसमें कहां आ रहा है, आउटसाइड, इस वायर में करंट कहां आ रहा है, इनसाइड, और ये इनफाइनाइट वायर्स हैं। क्लियर है यहां तक? तो करंट आउटसाइड है, करंट इनसाइड है, और दो वायर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए, इन दो वायर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए। कोई डाउट इसमें? तो आपको ये एक क्वेश्चन में गिवन है, ये एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर और आर इसकी वैल्यू बराबर है, आपको गिवन नहीं है, मैंने लिया आर, ये 90 डिग्री गिवन है, आपको सिर्फ ए गिवन है। हाँ, अगर आपको ए गिवन है 90 गिवन, तो आर कैन बी कैलकुलेटेड, पाइथागोरस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए बाय रूट टू। क्लियर है यहां तक? तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ए बाय रूट टू। कोई डाउट इसमें? गिवन होगा, गिवन क्वेश्चन में गिवन है ये सारा, आर नहीं गिवन होगा, आर मैंने खुद लिया, आर निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ ए निकालना है। तो अब क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट है, तो वन नंबर जो वायर है और करंट दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट क्या लगेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, फर्स्ट वायर का भी और सेकंड वायर का भी, तो बी वन बी टू दोनों में बराबर है। मेन है डायरेक्शन, डायरेक्शन में देखो, डायरेक्शन में क्या होगा कि इसमें करंट कैसे है, बोर्ड के अंदर, थंब राइट हैंड बोर्ड के अंदर, ये मैंने अपनी चार ये फिंगर्स घुमाई, ये मेरी फिंगर्स हैं, तो इसके ऊपर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस वायर का बी आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करते हैं, यहां पर करंट कहां है, बाहर, तो थंब कहां पर है, बाहर, थंब अगर बाहर है तो ये मैं चार फिंगर ऐसे घुमाऊंगा, ये ऐसे घूमगी फिंगर्स, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो बी टू इस तरफ आएगा। तो आप चेक करो, इसके इसमें करंट कैसे है, इनसाइड, तो ये डॉट 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 क्या है, मेरी चार फिंगर्स ही तो हैं जो घूम रही हैं, और ऐसे ही इसमें करंट का है बाहर, तो ये फिंगर्स कैसे हैं, ऐसे हैं, तो इसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस वन नंबर वायर का बी आ जाएगा, यहां पर बी टू आ जाएगा, और दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो नेट आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस
बी टू स्क्वायर, बी तो बराबर ही है बी वन, बी वन पुट करके रूट टू बी, बी वन निकाल चुके आंसर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप इसमें देखेंगे जब आप बाइट सबर्ट लॉ की एप्लीकेशन नंबर वन में काम करेंगे। क्या चल रही है बाइट सबर्ट लॉ की एप्लीकेशन नंबर वन, जिसमें एक फाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हम बी निकाल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन नंबर टू। अब प्रॉब्लम क्या है, एप्लीकेशन नंबर जो टू है ना, या आप ऐसे बोलें, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली अभी जो हम केस कर रहे थे, वो सिर्फ स्ट्रेट वायर के लिए एप्लीकेबल है। वायर तो आर्क भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, क्वाड्रेंट की तरह कुछ भी हो सकता है, तो उसका। और करंट कैरिंग मान लो वायर है, उसका भी निकलेगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद करो ऐसे दो फॉर्मूले थे, स्ट्रेट वायर के अलग थे, आर्क के अलग थे। सेम है, स्ट्रेट वायर हो गया, अब आर्क हो गया, आर्क या सर्कल उसके लिए कैसे काम करेगा, उसके लिए है आपकी एप्लीकेशन नंबर टू। ये रही बस, इसको इसको आज हम सिर्फ इसका इसका रिजल्ट रिजल्ट तक करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे एज अ रिजल्ट, बस इतना ही होगा। इसके न्यूमेरिकल में नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं, और जो टाइम बचेगा उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो डाउट्स हैं, जो आप डाउट्स पूछेंगे तो हम शीट्स में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये जो रिजल्ट है ना, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इसमें करना क्या है, ये इस रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब अगर ये सर्कल है, इसके सेंटर एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर आपको बी निकालना है, और ये करंट कैरिंग वायर है। आपको लगता नहीं ऐसा डायग्राम भी देखा हुआ है कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पे ई निकालना है। ये क्या है, ये एक करंट कैरिंग वायर है, उसके एक्सिस पर बी निकालना है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो मिलता जुलता रिजल्ट है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, रेफर कौन सी, एनसीईआरटी। तो खोल लो, एनसीईआरटी में आएगा ये फॉर्मूला प्रूव करने को। ये लो, हाँ नीचे नीचे, देखो तो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट कैरिंग वायर है, उसके एक्सिस पे हमें बी निकालना है। तो ये जो रिंग है जिसमें करंट है, उसमें आई करंट है, और रेडियस क्या है, कैपिटल आर रेडियस है, इसके एक्सिस से आपको क्या निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बी निकालना है। इस डायग्राम को एक मिनट के लिए अगर आप छोड़ दें,
और क्योंकि ये डायग्राम कैसे बना उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को या बी वेक्टर को या बायट सवेट लॉ याद करें, तो आपको बताया गया था कि जो डी बी है उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इनटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू, ये फॉर्मूला था डी बी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो ये समझ में आता है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा, डी बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट यूज, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रूल था कि अगर ये वाली टर्म आई कैप है, ये जे कैप है, तो पक्की बात है आंसर किस में आएगा, के कैप में आएगा। मतलब कि अगर कोई वायर पड़ी हुई है, जैसे ये वायर है डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, और आप आर डिस्टेंस दूर क्या निकालना चाहते हैं, बी की डायरेक्शन, क्योंकि डीएल इस प्लेन पे है, आर वेक्टर भी इस प्लेन पे है, तो बी वेक्टर इस प्लेन पे कभी नहीं आएगा, आउट ऑफ प्लेन आएगा या इनसाइड प्लेन आएगा, यानी कि थर्ड प्लेन में आएगा। जैसे अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो बी वेक्टर जेड एक्सिस में ही आएगा, जैसे मान लो एक्स है ये वाई है तो जेड एक्सिस में आएगा। क्लियर है यहां तक? ऐसा नहीं किया अभी, तभी तो वो थम लगा के या इनसाइड आ रहा है आंसर या आउटसाइड आ रहा है। क्लियर है यहां तक? तो इसमें उल्टा ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लो डीएल डीबी और डीबी और डीएल एक प्लेन में है, मान लो डीबी और डीएल एक प्लेन में है, तो फिर आर वेक्टर उस प्लेन में आएगा, आउट ऑफ या इनसाइड प्लेन में चला जाएगा। मतलब एक वेक्टर तीनों में से आउट ऑफ प्लेन होना ही होना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जैसे अगर एक्स वाई प्लेन है तो बी वेक्टर तो जेड एक्सिस में आना ही आना है। या मैं ये भी बोल सकता हूं इसमें, वो क्या कि अगर सपोज करो, लेट अस सपोज, देखो मान लो हमारे पास डीएल वेक्टर आउट ऑफ प्लेन है, यानी आउट ऑफ प्लेन का मतलब मान लो के कैप है, बोर्ड के बाहर है, पक्की बात है डीबी और आर वेक्टर फिर बोर्ड के ऊपर ही बनने वाले हैं। क्या ये रूल समझ में आया यहां तक? ठीक है यहां तक? यानी कि अगर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये के कैप है, फिर यानी कि ये आई और जे एक्स वाई प्लेन में काम करेंगे, या ये आई होगा या जे होगा या जे होगा आई होगा, कुछ में से ऐसा होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो दो वेक्टर एक प्लेन में, तीसरा आउट ऑफ प्लेन जाएगा, ये समझ में आता है। एंड ये भी समझ में आता है कि अगर सपोज करो ये डीएल वेक्टर आउट ऑफ प्लेन है ना, जो डीएल वेक्टर है ये आउट है ना, बोर्ड के बाहर है, तो ये दोनों बोर्ड के ऊपर है एंड आपस में 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है, वो रिजल्ट आता है, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही आता है। ये भी समझ में आता है कि जो डीबी वेक्टर है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर है और वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर ही है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, ओके। अब इसमें चलते हैं फिर इस रिजल्ट पे। तो इस रिजल्ट में जैसे सपोज मेरे को एक मान लो सपोज मेरे को क्या गिवन है, एक रिंग गिवन है। रिंग क्या, एक रिंग है जिसमें करंट कैरिंग रिंग है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है, आई अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। और मुझे इसके, मुझे इसमें इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर बी निकालना है, ठीक। अब मैं क्या लूंगा, क्योंकि मैं सीधा तो बी निकाल नहीं सकता, मेरे को क्या लेना होता है, स्मॉल एलिमेंट। तो चलो स्मॉल एलिमेंट ऐसे केस में क्या लेते हैं, रिंग में डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स में लेते हैं। तो मान लो एक एलिमेंट ये रहा, ये रहा डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर कहां पे आ रहा है मालूम है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, क्योंकि रिंग आपकी ऐसी है ही नहीं, ये रिंग ऐसी नहीं है, ये रिंग ऐसी है, आपको इसके एक्सिस पे बी निकालना है। तो अगर ये रिंग मैंने ऐसे ड्रॉ की, ये लो बोर्ड के बाहर निकाल लिया, करंट इसमें ऐसे है तो डीएल वेक्टर ऐसे है, तो ये डीएल वेक्टर कहां आ रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है, ये इमेजिन कर पा रहे हो? तो डीएल वेक्टर बोर्ड के बाहर है, आउटसाइड है, राइट। तो अगर डीएल वेक्टर बोर्ड के बाहर है और ये पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको,
तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे B निकालना कहाँ पे है। मुझे यहाँ पर जो B निकालना है वो यहाँ निकालना है, ये निकालना है। तो ये क्या बनेगा मेरा? R वेक्टर। तो ये क्या हुआ? R वेक्टर। ये क्या हुआ? DL वेक्टर। DL वेक्टर बोर्ड के बाहर है, R वेक्टर बोर्ड के ऊपर है। बोलो एंगल कितना है इनके बीच में? 90। DL और ये पूरा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, दोनों के बीच में एंगल तो यहां पर 90, क्योंकि प्लेन ही अलग है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जेड प्लेन है, तो 90। क्लियर है यहां तक? तो डीएल और आर में याद रखना एंगल क्या है? 90। अब क्योंकि ये रेडियस, ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर है ना, ये जो है ये कितना है? ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। तो ये जो वैल्यू है कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक। आपको बी कहाँ निकालना है? आपको बी यहां निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, बी वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी, डी बी आएगा रादर, बी नहीं बोलना चाहिए, डीएल की वजह से डी बी आएगा। डी बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डी बी वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी आएगी? आप कहेंगे वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर वेक्टर, डी बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर आपस में 90 पे है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये देखो डी एल वेक्टर बोर्ड के बाहर गया, आर वेक्टर और डी बी वेक्टर बोर्ड के ऊपर है और आपस में एंगल क्या बन रहा है इनमें? 90। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर देखो डी एल वेक्टर बोर्ड के बाहर गया तो फैसला क्या हुआ था? आर वेक्टर एंड डी बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होंगे और एक प्लेन में होंगे, ये एक प्लेन में भी हैं और आपस में परपेंडिकुलर। तो डी बी की जो डायरेक्शन आएगी वो ऐसी आएगी। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली, सिमिलरली ये क्लियर है यहां तक? फिर से हाँ या ना यशिका? ठीक। तो इसके अंदर फिर से ये मान लो, फिर से सेकेंड डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, तो सेकेंड एंड में फिर से एक बार यहां पर डीएल कहां जा रहा है? बोर्ड के अंदर। तो यहां पर जो डीबी बनेगा, ओ यहां पे तो यहां पे जो डीबी बनेगा वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है यहां तक? तो ये परपेंडिकुलर। कोई डाउट इसमें? मतलब इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डीबी, इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डीबी। क्लियर है यहां तक? अब आगे इमेजिन करो, यहां पे ये जो एंगल है, इमेजिन करो ये जो एंगल है कितना है? थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, बाइसिमेट्री थीटा। तो ये बताओ कि अगर मैं इमेजिनरी एक यहां पे परपेंडिकुलर लूं कुछ ऐसा, है ना, इमेजिनरी परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं, ये देखो ऐसे ये ले लिया, राइट? ठीक है यहां तक? तो आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में, अगर ये थीटा है, ये और ये 90 पे है, तो बोलो ये एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा, राइट? तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये और ये भी तो 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। सिमिलरली अगर ये थीटा तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? थीटा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? थीटा एंड थीटा क्लियर है? ठीक। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करते हैं और फिर वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ढूंढते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 2D में था, पूरा सब कुछ बोर्ड पे बनता था, इसमें एक वेक्टर आउट प्लेन बनेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये देखो, तो इसके अंदर ये देखो सेम डायग्राम। तो इस डायग्राम में रादर ये, इसकी जगह ये डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम। तो इसकी जगह ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा तो थीटा, यहां से ये थीटा 90 माइनस थीटा तो थीटा। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर डीबी, डीबी इस डीबी के दो कॉम्पोनेंट, डीबी कॉस, डीबी साइन, ऐसे इस डीबी के दो कॉम्पोनेंट, डीबी कॉस, डीबी साइन। कॉस और कॉस कॉम्पोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसर। तो दो एलिमेंट्स लिए अभी, दो एलिमेंट्स ने बी कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया? डीबी साइन, डीबी साइन। अगर चार एलिमेंट लेते तो चार डीबी साइन थीटा, अगर एक एलिमेंट लेते तो सिर्फ एक
डीबी साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, एक डीबी साइन थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन पूरी रिंग के लिए, तो टोटल बी कैन बी कैलकुलेटेड, बाकी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है। तो डीबी है कितना वो देख लें, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90, बताया ना डीएल और आर में एंगल क्या बनेगा 90, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। तो आपके पास ये डीबी आ गया साइन थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सब कॉन्स्टेंट है, लेंथ लेंथ डीएल में चलेगी, तो पूरी लेंथ कितनी है रिंग की, 0 से लेके 2 पाई आर, तो यहां से 2 पाई आर पुट करेंगे, और साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो साइन थीटा की जगह कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया, इसको बॉक्स में डाल लें, ये बाद में करेंगे, पहले यही देखेंगे, इसको बॉक्स में डाल लें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक। तो बी की वैल्यू आ गई, तो आप इसमें वापस अगर मैं शीट पे चलूं अपनी, तो मैंने प्रूफ तो यहाँ नहीं लिखा, मैंने प्रूफ तो एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन जब आप कंपटीशन तैयारी करोगे फॉर्मूलाज की लिस्ट कहाँ से बनाओ, यही देखोगे, डायग्राम वही लिख लिया मैंने, तो डीबी का जो बी का फॉर्मूला आया मैंने लिख दिया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई बाय ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2। तो इसमें एक रिजल्ट है, अगर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपको भी यहाँ ना निकालते हुए सेंटर पे निकालना होता, सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या पुट करते, 0, तो सेंटर के ऊपर स्मॉल आर की वैल्यू 0, ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, आंसर, तो क्लियर है यहाँ तक। तो सेंटर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर के ऊपर बी का फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय रेडियस ए, जो भी सर्कल का रेडियस है ए, आंसर। उससे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने अभी ये कितने टर्न्स का रिंग लिया, एक, अगर मैं दो टर्न्स लूँ तो करंट कितनी बार घूमेगा, 2 बार, तो 2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा दोनों इस तरफ, तो नेट आंसर 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर 3 बार करूंगा रिंग को, 3 बार करंट को घुमाऊंगा तो नेट आंसर 3 टाइम हो जाएगा, और एन टाइम घुमाऊंगा तो नेट आंसर एन टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए जितने टर्न्स घुमाते हो आप कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड भी उतने टाइम हो जाते हैं। तो इसीलिए जहां बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, वहां करंट बढ़ाने की जरूरत क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ही बढ़ा दो। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बढ़ा देते हो, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, यही तो है, आप एक वायर लो, सेल से कनेक्ट करो, सिंगल वायर लोगे, छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, उसको 100 टर्न में घुमा दो, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक इतना काम करेगा, वो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस, एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, सेंटर पे आर 0 क्यों लिया है? सेंटर पे सोचो ना, सेंटर के ऊपर अगर जाना है तो छोटा आर 0 नहीं होगा, तभी सेंटर पे आएगा ये पॉइंट। ओके सर, फिर से हम, नहीं नहीं मैं कह रहा हूं, अगर एक सिंगल लूप है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला, और अगर आपने दो टर्न्स ले लिए, एन टर्न्स ले लिए, तो इसको रिजल्ट को एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे उसको भी कर दो, अगर आपने यहाँ पे बी निकालना है और ये एन टर्न्स हैं, तो ये रिजल्ट भी एन से मल्टीप्लाई होगा। देखो मतलब जितने भी सर्कुलर लूप्स हैं उसको बार बार घुमाएंगे तो रिजल्ट एन टाइम मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है, और डायग्राम तो बता ही दिया इसमें, बी का डिस्टेंस के साथ, एक्सिस के साथ कैसे वेरी करेगा, ये आप याद कर लेना। एक क्वेश्चन था हीटिंग इफेक्ट में, ये वाला आपने ट्राई किया, ये हीटिंग इफेक्ट का हो गया, इसका आंसर कितना आ रहा था आपका, कितना, ऑनलाइन ट्राई किया किसी ने क्वेश्चन? मैं सुना पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आपके, मॉडल स्कूल वालों के पेपर है क्या, यूनिट टेस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों, चलो थैंक गॉड हमने कर ली एटलीस्ट,
कुछ तो अभी टेस्ट भी दिया आपने, हो जाएंगे फिर। ऑनलाइन वालों को भी टेस्ट है क्या? यस सर, कैंसिल हो गए। अच्छा, कैंसिल हो गए? कौन से स्कूल में? डीएवी। ओके, ठीक है, चलो सितंबर में तो होने ही है सबके, तो उसे पहले पहले तो तैयारी करनी है। ओके, देखो 21 ध्यान आगे, 21 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ मेन्स ऑफ 220 वोल्ट सप्लाई। 21 बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई है। आफ्टर वन बल्ब इज फ्यूज, एक बल्ब उड़ गया, कितने बल्ब बचे? 20। तो कह रहे इल्यूमिनेशन ऑफ कितने परसेंट से, इल्यूमिनेशन ऑफ अ बल्ब, अ बल्ब का मतलब सिंगल बल्ब चेंज हुआ, इल्यूमिनेशन ज्यादा किसकी होती है? जिसकी पावर ज्यादा होती है, यानी कि परसेंटेज पावर का चेंज निकाल दो। तो पहले कितने बल्ब्स हैं? 21। तो करंट क्या होगा? 220 बाय 21 आर। तो पावर क्या होगी? आई स्क्वायर इंटू आर। सेकेंड केस में आई स्क्वायर इंटू आर और रेजिस्टेंस कितनी है? 21 आर की जगह 20 आर। तो क्या करना है? परसेंटेज चेंज, तो न्यू पावर ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल पावर इंटू 100, आंसर आ गया। ये गलत है, ये सही। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया कैसे करना है? ओके, नेक्स्ट है, ये शीट ट्राई की थी, कितने लोगों ने ट्राई की? चलो फिर डाउट पूछ लेते हैं, इसके कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, 2 कौन सा, 3 में नोट कर लो इसे। हमने जितने भी क्वेश्चन किए इलेक्ट्रिसिटी के, उसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, लेफ्ट का भी राइट का भी। ये टेपर्ड वायर है, टेपरिंग का मतलब एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? पाई बी स्क्वायर। तो आपने क्या करना होता है, जब वायर टेपर्ड है, ये हर जगह चलता है, चाहे इस चैप्टर में लो, चाहे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लो, जिसमें मर्जी करो, टेपरिंग ऑफ वायर में आपका जो एरिया है वो क्या होगा? ए वन इंटू ए टू का अंडर रूट ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, ना ए वन लेते हैं ना ए टू लेते हैं, अंडर रूट ऑफ ए वन ए टू लेते हैं, पाई ए स्क्वायर पाई बी स्क्वायर का अंडर रूट पाई ए बी। तो अब आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, रो एल बाय पाई ए बी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये शॉर्टकट याद रखेंगे, प्लस वन के अंदर भी शायद हमने ये रिजल्ट किया था किसी टॉपिक में, ठीक। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अच्छा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अकुमुलेटर बैटरी ऑफ ईएमएफ, अकुमुलेटर बैटरी मतलब बैटरी जो चार्ज को सप्लाई करेगी, 6 वोल्ट इज 10 ओम। तो एक बैटरी है 6 वोल्ट की, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम है। जब फुली चार्ज है, फुली चार्ज है, एज द बैटरी गेट्स चार्ज्ड अप, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टू, चार्ज नहीं डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज है। तो जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज है, खाली है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम है। जब वो चार्ज होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 ओम से 1 ओम हो जाएगी, ठीक है। चार्जिंग के बाद इंटरनल में फर्क पड़ गया। बैटरी इन इट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज स्टेट इज कनेक्टेड टू अ चार्जर विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट। आपने रिचार्जेबल बैटरी सुनी होगी, ये रिचार्जेबल ही है। वो क्या कह रहा है कि एक बैटरी है, उस बैटरी को आपने चार्ज करना शुरू कर दिया, बिल्कुल खाली बैटरी चार्ज करना शुरू कर दिया, उसने सिचुएशन तो बताई थी, बिल्कुल खाली बैटरी है, फिर इंटरनल की रेजिस्टेंस 10 ओम है, जब वो चार्ज है तो 1 ओम है। अब वो क्या हो रही है, चार्जिंग पे लगा दी, 9 वोल्ट कांस्टेंट सप्लाई दे दी। फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, तो बैटरी का आपको करंट निकालना है। देखो जो केस नंबर 1 है, उस केस नंबर वन है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वो कितना है? 6 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल कितनी है? 10 है, राइट, 6 वोल्ट है। पर हमने उसे किसके साथ कनेक्ट किया? 9 वोल्ट के साथ। अब
जब बैटरी खाली बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं ना, तो ऐसे नहीं करते, प्लस विद प्लस माइनस विद माइनस ना। आप रिचार्जेबल बैटरी देखना, रिचार्जेबल बैटरी जो चार्जर चार्जर होते हैं ना, उसमें सेल जब लगाते हैं तो प्लस विद माइनस, माइनस विद प्लस, भाई तभी तो चार्ज खींचेगा, प्लस माइनस से माइनस, नहीं तो कैसे हो, फिर तो रिपेल ही करना शुरू कर देगा, फिर कैसे चार्ज लेके आओगे, तो उल्टा लगता है सब कुछ। और जब उल्टी बैटरी लग गई तो नेट ईएमएफ क्या हो गई, 9 में से 6 माइनस किया, 3 वोल्ट पे काम होना है उसने, तो पीछे से वोल्ट 9 वोल्ट हैं, आपकी बैटरी 6 वोल्ट पे चल रही है, आपने उल्टा कनेक्शन कर दिया, तब क्या हुआ, 3 वोल्ट नेट आ गया। अब नेट इतना आ गया कब, जब आपने चार्जिंग पे लगाया था, अभी तो खाली पड़ी थी, चार्जिंग पे लगाया था तो जब बिल्कुल खाली थी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी थी, 10, तो उस टाइम करंट कितना था, 0.3 एम्पियर करंट था उसमें सिर्फ। अब क्या हुआ, उसकी क्या हो गई, चार्जिंग, कुछ देर के बाद चार्जिंग हो गई। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी कितना है, 3 वोल्ट ही है, पर रेजिस्टेंस कितनी हो गई, अब 1 हो गई, तो करंट बढ़ जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। ये दो पार्ट्स हैं इसके, क्लियर है यहां तक। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का एक डेफिशिएंट है टर्मिनल, एक के पास फालतू है 9 वोल्ट, तो फालतू वाला डेफिशिएंसी को चार्ज दे देगा। मान लो प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल है, तो क्या होगा उसमें, एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप भूल गए ये किया था, देखो ठीक है, ये देखो क्या समझाया था, पॉजिटिव से करंट निकला, ये मान लो 9 वोल्ट है, ये मान लो 6 वोल्ट है, अब यहां पे नेगेटिव में वही करंट एंटर कर गया, तो एक की क्या हो रही है, चार्जिंग, वो चार्जिंग कहां से कर रहा है, वो तो अडाप्टर कनेक्टेड है, चार्जर तो लगा ही हुआ 9 वोल्ट पे, उसको तो 9 वोल्ट कम होने से रहे, इसकी क्या हो गई, चार्जिंग, ऐसा कुछ होता है। अब वो तो वोल्ट तो उसके 6 वोल्ट कहीं रहे ना, वो 6 वोल्ट पे है, नेक्स्ट सेवेंथ में डाउट, एट्थ डन इन क्लास है, फिर क्या डाउट होगा। नाइन्थ
10, 11, 12, 12, 12, इधर देखो, ये क्वेश्चन बहुत दिनों से डीसी पांडे में कोई लोग पूछ रहे हैं मुझसे, ऐसा मिलता जुलता कि ये ए है, ये एक्स है, 20 है, 30 है, ये 12 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, और ये एक्स वोल्ट है, जॉइंट एक्स वोल्ट पे है। तो अब करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो मान लो आई करंट, आई वन करंट आया, कुछ चला गया ऊपर, कुछ चला गया नीचे, आपको क्या निकालना है, करंट्स निकालने हैं। ओम्स लॉ, यहाँ पर ओम लॉ, 30 माइनस एक्स इक्वल टू आई वन इंटू 10, यहाँ पर एक्स माइनस 12 इज आई टू इंटू 20, तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू आई 3 इंटू 30, और टोटल करंट क्या है, आई वन इज इक्वल टू आई 2 प्लस आई 3। तो आई वन कीजिएगा यहाँ से पुट कर लो 30 माइनस एक्स अपॉन 10, आई 2 यहाँ से पुट कर लो, आई 3 यहाँ से पुट कर लो, सॉल्व करो, एक्स आ गया, एक्स आ गया, तो आई वन आई 2 आई 3 कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। वो ओपन है, वो तो एक पार्ट ऑफ सर्किट दिया उसने, ऐसे तो तुम कहोगे बैटरी भी नहीं है इसमें, करंट कहाँ से आ गया, फिर तो ये भी बोलो ना ओपन है तो फिर करंट कैसे ले रहे हो इसमें, तो मतलब पार्ट ऑफ फोटो खींच के दी थी सर्किट की, ये अंदर से क्या हुआ, हाँ मतलब एक इतना सा पोर्शन दिया, पूरा नेटवर्क नहीं दिया, फिर उसमें घूम जाओगे ऐसे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो मैग्नेटिक में खूब मेहनत करो, इलेक्ट्रोस्टैट्स का टेस्ट ऑब्जेक्टिव दो, बहुत बुरा हाल हो सकता है आपका, अगर अगर आपका मॉडल स्कूल का पेपर है और आपने अगर तैयारी की हुई है फिर तो ठीक है, अगर आपने तैयारी भूल गई, आपने टच नहीं किया, तो देखो फिर उस केस में आप फॉर्मूलाज रिवाइज करो, है ना। तो मैं ये नहीं कहना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी आपकी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका होना तो यही है ना, एंड में बहुत सिलेबस होगा तो क्या क्या याद करोगे, कुछ नहीं याद कर सकते, बंदा एंड में सोचता देख ही जाएगी जो होगा, तो यही तो होगा आपके साथ भी कल। तो जिन्होंने फॉर्मूलाज का रजिस्टर बना रखा है वो तो बच सकते हैं, क्योंकि फटाफट फॉर्मूला देख लेंगे। अब जिन्होंने फॉर्मूले का रजिस्टर नहीं बनाया, अब वो अपनी कॉपी खोल लें और कॉपी खोल खोल के देखें कि हमने क्या किया था इसलिए, और सोचो अभी तो अकेला इलेक्ट्रोस्टैट्स है तो कितने फॉर्मूलाज का रजिस्टर है, पूरी प्लस वन प्लस टू में कितने फॉर्मूला रजिस्टर बनेंगे, वो आपको बचाएंगे। जाओ, हाँ हाँ कोई भी टाइम देगा। दीप्शी आपके डाउट थे ना मेरे ख्याल से, दीप्शी डाउट थे ना आपके, दीप्शी मैं थोड़ी देर में व्हाट्सएप करता हूँ आपको ना वापस से, उसमें हीटिंग इफेक्ट का भी था ना एक, ठीक है जरा ना यहाँ पे कोई आया हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर में बिजी हूँ, उसके बाद करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है दीक्षा, यस सर, सर की ट्रांसफर हो गई, यस सर। तो फिर अब आप पढ़ रहे हो वहाँ पे? नहीं सर, उन्होंने तो क्लासेस पहले ही बंद कर दी थी।